व्यूअर्स 1964 एक ऐसा ईयर जब से भारत में स्मारक सिक्कों की शुरुआत हुई, तब से आज तक कई ओकेजन्स और पर्सनैलिटीज पे कमेमोरेटिव कॉइन्स जारी किए गए और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स इंडियन हिस्ट्री और पर्सनैलिटीज से जुड़े हैं। व्यूअर्स, कुछ ऐसे कॉइन्स भी नजर आए जो स्पेशल इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड थे, जैसे इंटरनेशनल यूथ ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली, 50 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जैसे ओकेजन्स पे जारी किए गए स्मारक सिक्के। लेकिन व्यूअर्स, सिर्फ एक ऐसा भारतीय स्मारक सिक्का है जो किसी फॉरेन पर्सनैलिटी की कमेमोरेशन पे जारी किया गया, जिसे हम डिटेल में जानेंगे उससे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आगे इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान के एक वीडियो में जो कि था इंडियन एयरफोर्स की प्लेटिनम जुबली पे इशू किए गए 2 रुपी कॉइन पे, उसमें मैंने ये कहा था कि ये सिक्का मेरे फेवरेट डिजाइन वाले स्मारक सिक्कों में से एक है और आप सभी ने भी कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट डिजाइन वाले सिक्कों के बारे में हमें बताया था। ऐसे ही हमारे एक व्यूअर हैं जोयान डिसूजा, जिन्होंने बताया था कि उनका फेवरेट कॉइन है लुई ब्रेल का 2 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन। तो व्यूअर्स, फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल वो इकलौती ऐसी फॉरेन पर्सनैलिटी हैं जो भारतीय स्मारक सिक्कों में नजर आए। आप में से काफी सारे व्यूअर्स को लुई ब्रेल के बारे में नॉलेज होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ व्यूअर्स को आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि लुई ब्रेल वो एक ऐसी महान पर्सनैलिटी थे जिन्होंने नेत्रहीन लोगों को पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ हैदराबाद मिंट से जारी किया गया लुई ब्रेल का सिंगल कॉइन यूएनसी पैक और क्या खास जानकारी है इस 2 रुपए के सिक्के से जुड़ी हुई। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं सिंगल कॉइन यूएनसी पैक पे और जानते हैं सिक्के की कंप्लीट डिटेल्स। तो व्यूअर्स, ये है वो 2009 में लुई ब्रेल की 200th बर्थ एनिवर्सरी पे जारी किया गया सिंगल कॉइन यूएनसी पैक फ्रॉम हैदराबाद मिंट। ये पैक आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एज कंपेयर टू 2 कॉइन्स प्रूफ सेट एंड यूएनसी सेट्स, ये काफी छोटा है। कंपैरिजन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास है गांधी जी के 2 प्रूफ कॉइन्स का कंप्लीट सेट और ये लुई ब्रेल का सिंगल कॉइन यूएनसी पैक। जिन व्यूअर्स को प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स की नॉलेज नहीं है तो वो मेरा एक सेपरेट वीडियो देख सकते हैं प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स की कंप्लीट डिटेल्स पे। तो व्यूअर्स, ये है लुई ब्रेल के सिंगल कॉइन यूएनसी सेट का आउटर बॉक्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएनसी सेट लिखा गया है, यहाँ ऊपर इंग्लिश में मेंशन्ड है 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुई ब्रेल 1809-2009 जो कि लुई ब्रेल का बर्थ ईयर है और 2009 जब लुई ब्रेल के जन्म दिवस को पूरे 200 वर्ष कंप्लीट हुए और इसी के कमेमोरेशन में ये सिक्के जारी किए गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लुई ब्रेल की इमेज दिखाई गई है। आइए इसको फर्दर अनपैक करते हैं और देखते हैं कैसी है इसकी इनर ब्लिस्टर पैकिंग। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये 3 लीफ की एक छोटी सी बुकलेट है। इसका फ्रंट पेज जो है वो है सिमिलर टू द आउटर बॉक्स। तो आइए फाइनली देखते हैं कैसा दिखता है वो 2 रुपए का लुई ब्रेल का यूएनसी कॉइन। तो व्यूअर्स, ये है कॉइन का ओवरसाइड साइड जिसे हम कहते हैं हेड्स, जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं। ब्लिस्टर पैकिंग की वजह से आप देख सकते हैं कॉइन्स कितनी हाई ग्रेड में मेंटेन्ड रहते हैं। आप इस कॉइन के ओवर साइड को अच्छे से देख लीजिए। कॉइन के ओवर साइड को अगर आप देखेंगे तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। टॉप सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो हिंदी में लेजेंड है भारत और इंग्लिश में लेजेंड है इंडिया। सेंटर सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे नजर आएगा अशोक स्तंभ, जिसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा गया है और यहां पे है डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 2। थर्ड सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदी में रुपए और इंग्लिश में रुपीज लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लुई ब्रेल की इमेज दिखाई गई है, जिसके नीचे मेंशन्ड है उनकी जन्म तिथि यानी कि 4 जनवरी 1809 और उनका जन्म हुआ था कुब्रे फ्रांस में और उनकी मृत्यु हुई 6 जनवरी 1852 में पेरिस फ्रांस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेल लिपि में कुछ लिखा गया है जिसे हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे।
कॉइन के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो लुई ब्रेल से जुड़ी हुई ब्रीफ हिस्ट्री दी गई है, जिसे हम कॉइन के रिवर्स साइड को देखने के बाद डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, ये है कॉइन का रिवर्स साइड, जिसे हम कहते हैं टेल्स। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, रिवर्स लिखा गया है। सिमिलरली आपको यहाँ पे नजर आएगी लुई ब्रेल की इमेज और उनकी सेम डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिखी गई है। आइए रिवर्स साइड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कॉइन के रिवर्स साइड को अगर आप देखेंगे तो लुई ब्रेल की ये जो इमेज है, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ढाला गया है इस सिक्के पे। इमेज के टॉप लेफ्ट में हिंदी में लेजेंड है लुई ब्रेल और टॉप राइट में इंग्लिश में लेजेंड है लुई ब्रेल। इमेज के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो 1809 उनका बर्थ ईयर मेंशनड है और इमेज के राइट में 2009 यानी कि ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन, और इसी साल लुई ब्रेल ने पूरे किए 200 वर्ष। तो आइए व्यूअर्स डिस्कस करते हैं ब्रेल लिपि में लिखे गए इस कोड को। सेम चीज को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। थोड़ा सा ऑब्वियस भी है कि जैसे हिंदी और इंग्लिश में लुई ब्रेल लिखा गया है, तो ये भी ब्रेल लिपि में लुई ब्रेल ही होगा। जी हाँ, एजम्पशन तो सही है, लेकिन ये कम्प्लीटली करेक्ट भी नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसमें हर अक्षर 6 ब्रेल डॉट्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। आप इसको डाइस के 6 वाले साइड से कंपेयर कर सकते हो। इन 6 डॉट्स की पोजीशन को नंबर से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि जो ये डॉट है, इसकी पोजीशन नंबर है 1, इस डॉट की 2, सिमिलरली 3, 4, 5, 6। अब हर करेक्टर के लिए इन 6 डॉट्स में से कुछ डॉट्स मिसिंग होते हैं और कुछ डॉट्स उभरे हुए होते हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन डॉट्स के कॉम्बिनेशन से कुछ लिखा गया है। आप इन दो डॉट्स को अगर इग्नोर करें तो सबसे पहले लेटर जो यहाँ पे है उसमें 1, 2 और 3 पोजीशन वाले रेज्ड डॉट्स हैं, जो सिग्निफाई करता है लेटर एल को ब्रेल लिपि में। सेकंड करेक्टर अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें 2nd, 5 और 6 पोजीशन वाले रेज्ड डॉट्स हैं, जो सिग्निफाई करता है डॉट को ब्रेल लिपि में। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1st और 2nd पोजीशन वाले रेज्ड डॉट्स हैं, जो बी करेक्टर को सिग्निफाई करता है। आगे अगर आप देखें तो 1, 2, 3 और 5 पोजीशन वाले रेज डॉट्स हैं, जो आर को सिग्निफाई करता है, और पहले करेक्टर की तरह सिमिलरली यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये एल को सिग्निफाई करता है। ये सारे लेटर्स कंबाइन करके बनाते हैं एल डॉट बी आर एल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म एल फॉर लुई, शॉर्ट फॉर्म बी आर एल फॉर ब्रेल, यानी कि लुई ब्रेल। तो है ना व्यूअर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग। मुझे भी इसको रिसर्च करने के बाद ये जानने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ा जाता है। व्यूअर्स, इस कॉइन के मिंट डिटेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आएगा मिंट मार्क 5 पॉइंटेड स्टार शेप, जिसका मतलब ये सिक्का जारी किया गया था हैदराबाद मिंट से। लुई ब्रेल के ये सिक्के नज़र आए थे बॉम्बे और कैलकटा मिंट से भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है कैलकटा मिंट से जारी किया गया सिक्का, जिसमें देयर इज़ नो मिंट मार्क। और इस सिक्के में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है डायमंड शेप मिंट मार्क, जिसका मतलब ये सिक्का जारी किया गया था मुंबई मिंट से। यहाँ पे अगर आप राइट में देखेंगे तो सेम हिस्ट्री को इंग्लिश में दिया गया है। आइए इस हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो लुई ब्रेल थे वो जन्म से नेत्रहीन नहीं थे। जब वो 3 वर्ष के थे तो दुर्घटनावश अपने पिता के कारखाने के यंत्रों में से एक सुआ उन्होंने अपनी आंख में घोंप लिया था, जिसकी वजह से उनकी उस आंख की दृष्टि चली गई थी। ब्रेल की जो दूसरी आंख भी थी उसकी दृष्टि भी ऑप्थेल्मिया डिजीज की वजह से चली गई। सिंपेथेटिक ऑप्थेल्मिया वो डिजीज होता है जिसमें आपकी एक आंख की दृष्टि जाने की वजह से दूसरे आंख की दृष्टि भी चली जाती है। दृष्टि खोने के बावजूद लुई ब्रेल ने अपने आप को निराश नहीं किया और अंधे और ना देखने वाले व्यक्तियों के पढ़ने लिखने के लिए विश्वव्यापी पद्धति ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। यहाँ पे सेम चीज़ बताई गई है कि ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं को मिलाकर अक्षरों को तैयार किया जाता है और शब्दों पर अंगुलियों को चलाते हुए पढ़ा जाता है। तो व्यूअर्स, ऐसे थे लुई ब्रेल, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद एक पूरी स्क्रिप्ट बना डाली। तो व्यूअर्स, ये है इस यूएनसी पैक का लास्ट लीफ, जिसमें इस कॉइन की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं। तो डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन है 2 रुपीज। कॉइन के शेप की बात करें तो कॉइन का शेप है सर्कुलर। कॉइन का आउटसाइड स्टैंडर्ड डायमीटर है 27 mm। कॉइन के मेटल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो ये बना है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से, जिसमें आयरन का कॉम्पोजिशन है 83% और क्रोमियम है 17%। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन्ड है इंडियन गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद, जिसका मतलब ये सिक्का जारी किया गया था हैदराबाद मिंट से।
लुई ब्रेल के ये कॉइन्स नजर आए थे दो कॉइन्स के प्रूफ सेट और यूएनसी सेट्स में भी, इशूड फ्रॉम कोलकाता मिंट। दोनों ही मिंट्स में नजर आए 100 रुपीज और 2 रुपीज डिनोमिनेशन के कॉइन्स, इन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंगल कॉइन यूएनसी सेट्स की अगर हम बात करें तो ये जो सेट हमने आपको दिखाया ये है फर्स्ट इशू ऑफ यूएनसी सेट फ्रॉम हैदराबाद मिंट, जो कि इशू किया गया था 2009 में। सिंगल कॉइन यूएनसी सेट में हैदराबाद मिंट से सेकंड इशू भी नजर आया था इन द ईयर 2012 विद डिफरेंट पैकेजिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को लुई ब्रेल का ये यूएनसी सेट? आई होप आप सभी ने इस सिक्के की डिटेल्स को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आते हैं हम वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जहां हम डिस्कस करते हैं कॉइन्स की करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में। हम जनरल सर्कुलेशन वाले 2 रुपए के लुई ब्रेल के सिक्कों के प्राइस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉमनली अवेलेबल हैं। हम बात करेंगे सिर्फ प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स की। जो सिंगल कॉइन यूएनसी पैक हमने आप सभी को दिखाया वो है लुई ब्रेल का हैदराबाद मिंट से जारी किया गया यूएनसी सेट का फर्स्ट इशू, और ये जारी किया गया था ईयर 2009 में। इस यूएनसी सेट का इशू प्राइस था 130 रुपीज, और आज की डेट में अगर आपको ये यूएनसी सेट किसी कलेक्टर या डीलर से परचेज करना हो तो ये आपको मिलेगा लगभग 400 से 500 रुपए तक का। हैदराबाद मिंट ने अपने सिंगल कॉइन यूएनसी पैक का सेकंड इशू रिलीज किया था 2012 में। इस यूएनसी सेट का इशू प्राइस था 250 रुपीज, और आज की डेट में इस यूएनसी सेट का कॉस्ट प्राइस है लगभग 2000 से 2500 रुपए तक का। लुई ब्रेल के ये सिक्के नजर आए थे दो कॉइन्स के प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में भी फ्रॉम कोलकाता मिंट। दोनों ही सेट्स में नजर आए 100 रुपीज और 2 रुपीज डिनोमिनेशन के कॉइन्स। प्रूफ सेट्स की अगर हम बात करें तो उसका इशू प्राइस था 1431 रुपीज, और आज की डेट में अगर आपको ये प्रूफ सेट किसी कलेक्टर या डीलर से परचेज करना हो तो ये आपको मिलेगा लगभग 4000 से 5000 रुपए तक का। यहीं अगर हम यूएनसी सेट की बात करें तो उसका इशू प्राइस था 1133 रुपीज, और आज की डेट में ये यूएनसी सेट आपको मिलेगा लगभग 3000 to 4000 रुपीज तक का। तो व्यूअर्स, ये हुई इन सिक्कों की कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। तो व्यूअर्स, ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? कैसा लगा लुई ब्रेल का यूएनसी पैक, उससे जुड़ी हुई हिस्ट्री और ब्रेल लिपि से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स? आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी जान पाएं लुई ब्रेल के सिक्कों से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग जानकारी। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल चिलर ज्ञान। टिल देन, जस्ट चिलर।